हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि राज। तो फाइनली एक गुड न्यूज़ आ चुकी है, Redmi Note 7 Pro, Redmi 9 Power, Poco X2 और भी काफ़ी सारे Xiaomi के डिवाइस में लेटेस्ट अपडेट है MIUI 12.5 का, वो रिलीज होना स्टार्ट हो चुका है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस दिन कौन कौन से नए डिवाइस में अपडेट रिलीज हुआ है और गाइस काफ़ी अच्छा अपडेट है और आप सभी लोगों को डाउनलोड कैसे करना है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अगर गाइस आपको MIUI 12.5 एनहांस एडिशन का कोई भी अपडेट डाउनलोड करना है तो मेक श्योर आप हमारे चैनल टेकर्स को सब्सक्राइब कर दें फॉर लेटेस्ट अमेजिंग Xiaomi अपडेट देखने के लिए। तो आइए गाइस शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं पोको X2 यूजर्स की। तो गाइस फाइनली एक और बार आज यहां पर पोको X2 का जो अपडेट है 12.5.3.0 का वो रिलीज होना स्टार्ट हो चुका है। गाइस यहां पर देख सकते हैं 12.5.3.0 स्टेबल अपडेट है, हमने पहले भी वीडियो बनाया है डेडिकेटेड, अगर नहीं देखा है तो आई बटन पर जाकर आप चेकआउट कर लो, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। यहां पर गाइस हमारे काफी सारे दोस्तों ने बताया कि जो अपडेट है वो रिलीज हो चुका है। गाइस अगर आपको यहां पर स्क्रीन पर दिखाई दे तो यहां पर देख सकते हैं हमने अभी पोस्ट अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किया है कि पोको X2 में जो अगेन अपडेट है वो रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। तो गाइस काफी अच्छी गुड न्यूज है पोको X2 यूजर्स के लिए। अगर आपको नहीं मिला है तो आप सिस्टम अपडेट में जाके चेकआउट जरूर कर लो, अगर डाउनलोड करना है तो इस OTA फाइल रिकवरी फाइल की जो लिंक है वो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अब गाइस यहां पर जो मेजर अपडेट देखने को मिला है वो है Redmi Note 7 Pro का। काफ़ी दिनों से मुझे लगातार कमेंट आती रहती थी कि भाई अपडेट कब मिलेगा Redmi Note 7 Pro में, कब मिलेगा। तो फाइनली गाइस वो घड़ी आ चुकी है कि Redmi Note 7 Pro में भी इंडिया में स्टेबल अपडेट है वो रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। अपडेट की बात करें तो यहाँ पर आपको 12.5.1.0 का जो वर्जन है वो देखने को मिल जाता है। करीब OTA साइज की जो फाइल है वो 600 MB की है और रिकवरी की 2 GB के आसपास है, बट यहाँ पर आपको कोई एंड्रॉइड 11 का सपोर्ट तो देखने को नहीं मिलता है, बट गाइस यहाँ पर आपको जो भी लेटेस्ट MIUI 12 के फीचर है वो देखने को मिल जाते हैं। अगर बात करें चेंज लॉक की ऐसी तो गाइस मुझे कमेंट करके बता दो कि आपको Redmi Note 7 Pro पर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए या नहीं। गाइस यहां पर भी आप देख सकते हैं जो स्टेबल रिकवरी फाइल है वो आ चुकी है, अगर आपको डाउनलोड करना है OTA फाइल एज वेल एज रिकवरी फाइल तो दोनों की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ। तो अब गाइस यहाँ पर बात कर रहे हैं Redmi 9 Power की। तो गाइस Redmi 9 Power में भी कुछ नया अपडेट हमारे सामने रिलीज हो चुका है। गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं Redmi 9 Power MIUI 12.5। तो गाइस यहाँ पर अभी कल एक अपडेट आया था जहाँ पर कुछ लीक हमारे सामने आया था कि जो Redmi 9 Power है उसमें कुछ नया अपडेट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ पर अपडेट की बात करें तो कोई ऑफिशियल तो लीक नहीं आया है, बट काफी सारे टेलीग्राम ग्रुप पर एक फोटो वायरल हुआ है जहां पर बताया गया कि MIUI 12.5.2.0 का जो लेटेस्ट अपडेट है विद Android 11 आपको Redmi 9 Power में देखने को मिल जाएगा। यहां पर गाइस चेक कर सकते हैं, इसकी भी जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो यहां पर डिवाइस नेम देख सकते हैं Redmi 9 Power है, MIUI वर्जन है 12.5.2.0 विद Android 11 और गाइस जो रिलीज डेट बताया गया है वो है 7th of October। बट गाइस अभी किसी लोगों को देखने को नहीं मिला है क्योंकि मैंने काफी सारा कंफर्म किया, बट यहां पर एक फोटो हमारे सामने आया है जहां पर कंफर्म किया जाता है कि जो अपडेट है वो डेवलपमेंट अब खत्म हो चुका है, बस आपको एक या दो दिन में जो अपडेट है वो देखने को मिल जाएगा। बट यहां पर जो Redmi 9 Power का दूसरा डिवाइस है ग्लोबल वेरिएंट का वो है Redmi 9T। तो Redmi 9T में गाइस यहां पर MIUI 12 का 12.0.17 का जो अपडेट है वो देखने को मिला है। तो गाइस हो सकता है ग्लोबल में अभी MIUI 12 चलता है तो हमारा इंडिया में MIUI 12.5 का जो अपडेट है वो जल्द से जल्द देखने को मिल जाएगा। अब Redmi 9T में गाइस आज ही यहां पर 8 अक्टूबर को जो अपडेट है वो रिलीज हुआ है। गाइस यहां पर चेंज लॉक की बात करें तो सिर्फ परफॉर्मेंस ही इंप्रूव किया गया है। तो Redmi 9 Power अगर आप यूज करते हो तो आप चेक करते रहना कि आपकी डिवाइस में 12.5.2 का अपडेट आया है या नहीं, क्योंकि काफी लोग से मैंने कॉन्टेक्ट किया तो वो लोग बता रहे थे कि अभी तक तो कोई हमको अपडेट देखने को नहीं मिला है, बट अनऑफिशियल काफी सारे लीक हमारे सामने आ चुके हैं। और गाइस यहां पर जाते जाते कुछ चाइनीज डिवाइस और रशियन डिवाइस का भी मैं आपको नाम ले लेता हूं। तो गाइस चाइना में Redmi K30i 5G में 12.5.4.0 का जो अपडेट है वो रिलीज हुआ है और इसके अलावा गाइस यहां पर Redmi Note 10 Pro में MIUI 12.5.3.0 का जो अपडेट है विद सेप्टेम्बर सिक्योरिटी पैच वो देखने को मिल चुका है। तो फाइनली गाइस ये तीन डिवाइस मेजर थे जिसमें अपडेट का पूरा चांस है और पूरा अपडेट है वो रिलीज हो चुका है। तो आई होप गाइस आप सभी लोगों को आज का जो वीडियो है पसंद आया होगा, मेक श्योर आप हमारे चैनल टेकर्स को सब्सक्राइब कर दे क्योंकि जैसे कोई नया अपडेट आ जाएगा तो हम सबसे पहले आपको प्रोवाइड करवा देंगे। गाइस सभी जो डाउनलोड की फाइल है वो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो वहां पर जाकर आप सभी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।